नहीं, एक बात बता, प्यार है तेरे को मेरे से? प्यार मुझे? मेरी किस्मत बूटी है, मैं तेरे से प्यार करूंगा। एक लड़का है, मैं उसको लाइक करती हूँ, वो मुझे। अच्छा, ठीक है। तो हम दोनों ने ना शादी कर ली। राहुल ये पापा जी, आप हमारे घर में आती थी, क्यों आती थी? मैं तुम्हारे, यार मैं इनके लिए आती थी। अरे क्या हो गया, अगर मैंने तुम्हारे बाप से शादी कर ली तो अब मैं तुम्हारी माँ और इनकी बीवी हूँ, ठीक है? क्या बोल रही है तू, कुछ समझ पल्ले आ रहा है? कुछ समझ। मत बोल, क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों बोल रही है? स्टार्ट करो। दोस्तों, मैं दस खान। दोस्तों, आज मेरे साथ यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इन लोग के बारे में बता देता हूँ। दरअसल आप देख रहे हो 50-55 साल के अंकल हैं, और कितना एज हुआ आपका? 21 साल की ये लड़की है। दोस्तों, ये लोग आपस में शादी करके यहाँ पे बैठे हैं। नहीं नहीं भैया, हमने शादी नहीं की। अच्छा, तो अरे यार, तुम ऐसे कैसे यार कह रहे हो? मतलब हम इस रूम में बैठे थे, इसका मतलब हमने शादी कर ली? तो देखो, आप इनसे शादी कर, मैंने इनसे कोई शादी नहीं की है। ये ना, हम इससे छोटा सा प्रैंक कर रहे हैं, वो भी इनके बेटे के लिए, क्योंकि वो मेरे को लाइक करता है, मैं उनको लाइक करती हूँ, बट हम दोनों ने कभी कभी बोला नहीं। और उसने लाइक के मुंह में जवाब ही नहीं है कि पापा से बात कर सके, ये तो आज इस बिटिया ने आगे बताया। शर्मिला, वो कभी बता नहीं पाता। और अच्छा, मैं आपको पता है, मैं लड़की हूँ, मैं तो बताऊंगी। ये कोई बात हुआ कि भाई, मुझे स्टार्ट है कैमरा, मुझे एक चीज बताओ, ये कहाँ का बात हुआ कि भाई लड़की कभी सामने से जाके बोलेगी नहीं? यार लड़कियाँ नहीं बोलती, आप किसी से भी पूछ लो, लड़की क्यों नहीं बोलेगी? पोस्ट नहीं करती भाई, हम लोगों का हक नहीं होता है? नहीं होता ऐसा भाई, अभी मेरे से तो बोल दिया, बाप से बोलने की हिम्मत है? और इसको लड़के एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर एक, मैं चाहती हूँ कि वो खुद आकर मुझे बोले, मैं जो उसके लिए फील करती हूँ ना, अंकल को बता सकती हूँ। देखो, मतलब बाप से बात करने में हिचक नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, इसका भी एक एटीट्यूड है, इसने मेरे को सब बताया। अब मैं सारी चीजें, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो ना अंकल जी बनवा रहे हैं कि मैं अपने बेटा से मजा लेना चाहता हूँ, मजा लेना चाहता हूँ, उसके अंदर का झांका खोलना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या करना चाहते हो? एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये लोग अपने बेटे पे एक प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक करना चाहते हैं, उसके प्रैंक भी कर रहे हैं, और इसको भविष्य के अंदर, बाप के अंदर खुल के बात कर रहे हैं, उसके मुंह से ना वो चीज अंदर का खत्म करनी है। आखिर कब क्या, मतलब प्यार किया तो फिर डरना क्या? नहीं, प्यार किया तो डरना क्या? क्या कुछ हुआ, कैसे? मैं चाहती हूँ वो खुद आकर मुझे बोले, मैं नहीं चाहती। कितने दिनों से आप लोग जानते हो एक दूसरे को? अंकल को कब बताई? अंकल का रिएक्शन क्या था? अंकल जब को जवाब बताया? मैं बचपन से उसे जानती हूँ, हम दोनों की फैमिलीज फ्रेंड्स हैं, बट पता है यार, मैं उसको सोचती हूँ वो मेरे को खुद आकर बोले, पर वो कभी बोलता ही नहीं। मैंने ट्राई भी किया, मैंने सोचा स्कूल में बोलेगा, हम बड़े हो गए, अब देखो यार एज हो गई, अब तो बोलना चाहिए। लड़कियों की ना आदत है, अब वाइफ मेरी इस दुनिया में नहीं रही, हम भी बचपन में एक दूसरे मिलते थे, पर लड़कियों के अंदर आदत है कि हमेशा लड़का प्रपोज करे, वही अपना ऐसे तो बैठ के इस तरीके से फूल दे, ऐसे बात करे, भले इन्हें ना, मतलब इन चीजों को ये जीना चाहते हैं। और मैं इस चीजों के अंदर क्या, मैं खुद एक रोमांटिक आदमी हूँ, मैं खुद चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। अब देखो, मैं रोमांटिक हूँ और मेरा बच्चा, बल्कि उसको मेरे से प्लस होना चाहिए, वो तो इसका कह ही नहीं पा रहा, तो इस बेटी ने आके मेरे से, हाँ शर्मिला टाइप, और मेरा बेटा होकर शर्मिला, मुझे इस बात का संकोच है कि मेरा है कहाँ से, मुझे समझ नहीं। अंकल ना बहुत ही सच में फनी इंसान है, और जब अंकल बेटी ने आके बात की, मैंने कहा मैं इसको अपने तरीके से उसका झाका खोलूंगा, क्यों तो हम दोनों ने छोटा सा उसको प्रैंक भी करना, और बाप के साथ खुल के बात कर। 21वीं सदी में जी रहा है यार, मैं तो 18वीं सदी का आदमी हूँ, फिर भी मैं खुल के जिंदगी जीता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतना हमने कहा भी है कि ये है कि मनोरंजन भी हो जाएगा और उसके अंदर का जो डर है बाप बेटे का वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी। अब इसकी यही तमन्ना है कि वो भी मेरे को आज के लड़कों की तरह फूल दे, ये करे वो करे, ये गुलदस्ता भी लाए। आपको कोई इसके रिश्ते से इतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, बचपन से देखा है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरे घर की ये बहू आकर बनती है तो। ये मैं उसको लगेगा मैंने इसके लिए लाया हूँ, ये इनको उनसे दिलवाना है। अच्छा। उनको इनके दिलवाना है, करेंगे ताकि इनकी करेंगे? भी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि जो ये चाहती है। ठीक है, जो बच्चे आपके मन में है ना। अभी होगा कहाँ राज? अभी वो ऑफिस में होगा। ऑफिस भी होगा, करना स्टार्ट कर चुका है। पहले उसे जलाएंगे, फिर हंसाएंगे, फिर मनाएंगे। ठीक है, तो आपको दूसरा तरीका भी नहीं, नहीं माना तो फिर। अंकल जी मस्त इंसान है जो इतने खुलकर हर चीजों को रख रहे हैं, आपको लगता है कि वो बाप की बात नहीं मानेगा? मानेगा। आप बस एक काम करो, उसके अंदर हम आग इतनी पैदा कर देंगे, इतना जला देंगे उसे। ठीक है ना, बिल्कुल जलाना आज उसे, ये भूल जाना बस। उसे ये लगे, उसे ये लगे कि पापा ने रियल में तुमसे शादी कर ली। लगेगा, मैं उस मोमेंट को देखना चाहता हूँ। हाँ, और देखा तो हम लोग भी चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसके अंदर मेरा पूरा साथ देना है तुम्हें। ठीक है, एक काम करो। ठीक है, उनको ना फोन करके यहाँ बुलाओ राज। और सुनो, ये मत बताना कि शादी कर ली है, ये वो बोलना कि एक सरप्राइज है और मैं तुझे बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार फोन करो। कहना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, फटाफट आ जाओ, उड़ के आ जाओ। हेलो, हाँ खुशी, कहाँ पर हो तुम? कहाँ हूँ मैं इस टाइम? ऑफिस में हूँ। अच्छा, सुनो मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आ सकते हो अभी? अभी आ जाओ। अरे फोन पे बोलना, ऑफिस में बता। अरे यार मतलब सरप्राइज है, जल्दी आओ ना यार प्लीज। अरे यार बॉस से गाली उड़ाएगी क्या तू मुझे? अरे यार बॉस की बात में सुनना, पहले मेरी सुनो प्लीज, जल्दी आ जाओ मेरे, समझो ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मतलब सरप्राइज समझो तुम्हारे लिए। मतलब बॉस की डांट से भी बड़ा सरप्राइज है? हाँ बॉस की डांट से भी बड़ा, जल्दी आओ तुम। कहाँ है? यहाँ पार्क में आ जाओ तुम, पास में जो ऑफिस के बाहर पार्क है ना तुम्हारा, उसके पास आ जाओ। तो यही आई हुई है क्या? हाँ मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, जल्दी आओ ना यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ जल्दी आओ। 10 मिनट दे, 10 मिनट। ओके ओके जल्दी आओ। आ रहा है वो, आने वाला है, और उसे क्या सरप्राइज मिलेगा और क्या रिएक्शन निकलता है उसका, सारा चीज़ मैं हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ों का सारा चीज़ दिखाएंगे बताएंगे और अपने वे में मजा लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है अंकल जी, बस समा बांधना आपको। ठीक है भाई, देखो कोशिश तो यही है कि बिल्कुल मला उसको जलाना है और हमने अपना अंदर का समा बनाना है। क्यों जो भी चीज होगा सारा चीज अपने वे में दिखाने का बताने की कोशिश करते हैं, सारा चीज मैं हमें खुश होना और उसको कॉल आ गई। कॉल, रुको 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 मैं उठाती हूँ। हेलो, अरे कहाँ है खुशी? अरे यही सामने आना पार्क में। अबे इतना बड़ा पार्क है यार, कौन से सामने सामने? अरे देख मैं ग्रीन में बैठी हूँ, इधर देख। अरे तू दिख गया, देख इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। हाँ भाई क्या हाल है तेरे? कैसे बुलाया? बैठो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए सरप्राइज था कुछ। अबे ये क्या है, ये क्या सरप्राइज है? ये फूल है, अच्छे है ना यार? तू मेरे को बुलाया किस लिए बता मेरे को, क्या अर्जेंट यार? मैं बुला नहीं सकती मतलब तुम्हें। अबे अर्जेंट क्या था ये बता। तुम्हें कुछ पता क्या बोल गया अपने बॉस को? क्या बोला है? मैंने बोला था एक्सीडेंट हो गया है। क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया? मेरा फोन आया, मैं उससे मेल डाल रहा था यार। तो तू मेरे को मार देगा क्या मतलब? अबे मर गई, मेरे बोलने से मर गई तू? तुम तेरे बोलने से मैं मर गई तो? अरे यार कैसी बात करती है तू, पहले ये बता अर्जेंट काम क्या था ये बता। तूने मेरा सारा मूड ऑफ खराब कर दिया। ये किसकी लाई थी डेट पे, ये किसके साथ? ये मुझे मिला है कहीं से। कौन देगा, बंदर देगा तेरे को? मैं मार दूंगी, मैं सीरियस हूं। क्या कुत्ता देगा यार, तू कभी तो बात को सीरियस ले लिया। बताएगी क्या हुआ है? मैंने तेरे को एक सीरियस बात करने के लिए बुलाया। बताएगी तभी तो मेरे को पता लगेगा ना क्या सीरियस बात है। फोन कर रही है तू, कह रही आओ पहले मिलो। तू उससे पहले मेरे को ये बता क्या कि तू किसी से प्यार करता है? मैं? हाँ मैं किससे प्यार करूंगा, मेरी शक्ल दिख रही है? अच्छा दिख नहीं रहा देखो, हंसता खेलता मैं, जो प्यार करूंगा? अच्छा चल ये बता, तुझे लगता है मैं करती हूँ किसी से प्यार? तू किससे कर सकती है, बंदर से कर सकती है? यार मैं सीरियस,
और यार सीरियस कुछ तो सीरियस ले लिया कर कभी। क्या सीरियस क्या लूँ इसमें बता मुझे। मैं तेरे को वही बताने के लिए बुलाया था। क्या कि बंदर बंदर का कुछ बता रही थी? मैं ना इसको मारूंगी तेरे सर पे। अरे तो बोलेगी कभी तो। एक तो मेरा ऑफिस का तूने वो खराब कर दिया शेड्यूल पूरा। एक लड़का है। लड़का? अच्छा कौन सा लड़का? सुनेगा पहले। अच्छा बोल बोल। सुन एक लड़का है मैं उसको लाइक करती हूँ। अच्छा ठीक है। किसके गरम फूटे हैं यार? किसके गरम फूटे पूछ रहा हूँ मैं। मैं सीरियस होके बात कर ले पहले। मैं सीरियस और कितना सीरियस मेरे को बता। ठीक है लड़का है। एक लड़का है। ठीक है मैं उसको लाइक करती हूँ। अच्छा वो मेरे को भी लाइक करती है। ठीक है तो क्या तू समझ जा। क्या समझूं इसमें क्या समझूं मैं यार खुद समझना इतना दिमाग लगाना। अभी मेरे को काम की बात बता। तूने बुलाया किस लिए? क्या लड़का लड़की कर रही है तू? देख मैं तेरे से सारी बात शेयर करती हूँ ना तेरे को पता है। करती है तो वही तो मैं चाह रहा हूँ तू कर मेरे से शेयर। तू मेरे को समझेगा? तूने टाइम खराब करा है वहां से मेरे को ऑफिस से बुलाया। तू मेरे को समझेगा या नहीं? समझूंगा। तू मेरा साथ देगा? दूंगा तेरा साथ क्यों नहीं दूंगा मैं। बैंक में डकैती मारेगी मेरे साथ? अच्छा सुन एक लड़का है मैं उसको लाइक करती हूँ वो मुझे करता है। ठीक है तो हम दोनों ने ना शादी कर ली है। अच्छा शादी कर ली है। हाँ। शादी का एस पता है तेरे को? स्पेलिंग पता है शादी की? सच्ची में कर ली है। देखिए माला देख। और ये बुके उसी नहीं दिया मेरे को। मंदिर मंदिर गई थी क्या यार? मंदिर तेरे को ये मंदिर के लग रहे हैं? ये देख माला है ये शादी की माला। और ये देख बुके। भाई वहाँ से प्रसाद मिलता है बुके नहीं मिलता मंदिर जाके? यार ये बुके मन्नत मांगने गई थी कोई? मैं तेरे सर पे मारूं। मेरे को बंदर नहीं मेरे को कोई लड़का दे दो भगवान अच्छा सा जिसे शादी कर लूं मैं यार ऐसा कुछ। अच्छा तू सुन पहले पूरी बात सुन। बता। तो वो लड़का है तो हमने मम्मी पापा को बिना बताए शादी किया है। तो मैं अच्छा। चाहती हूँ तू मेरी हेल्प कर दे इसमें। किस लड़के से शादी कर ली तूने? हेल्प तो तू हेल्प करेगा मेरी? सही बोल रही है। मेरे को लग नहीं रहा तू सही बोल रही है। क्या कर रही है? सीरियसली यार मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए। इसलिए तू मेरे को दोस्त मानता है ना? दोस्त से भी ज्यादा मानता हूँ मैं तेरे को। तो फिर तू मेरी हेल्प कर दे। हेल्प फैमिली को मना दे। फैमिली नहीं मानेगी यार हमने भाग के शादी की है। अगर घर वालों को नहीं पता। एक पॉइंट को सीरियस भी है। तूने करने से पहले मेरे से पूछा? यार पूछना क्या तू बता प्यार में क्या कोई पूछता है किसी से? अबे तो मतलब तेरे को मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरे साथ कितने टाइम से है तू? इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, अच्छी बॉन्डिंग है हमारी दोस्ती। देखो मैं तब से देखता आ रहा हूं जब से तू कपड़े सुखाती आ रही है अपनी बालकनी में। अगर तेरे को याद हो तो। यार दोस्ती और प्यार में फर्क होता है तू समझना। दोस्ती प्यार में फर्क होता है यार ये तो चीज समझ। जो तू बोल रही है क्या बोल रही है? सोच समझ के बोल रही नहीं बोल रही? मैं सोच समझ के बोल नहीं रही। मैंने कर लिया है वो यार। फिर वो तुझे बता रही कर रही है यार। यार प्लीज मैं चाहती हूं। मजाक होता है मानते हैं हम मजाक में बात करते हैं यार। एक हद होती है मजाक की यार। मजाक नहीं है ये। बोल रही है मेरा दिल बैठ जाता है अगर ये सीरियस निकल गया। तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैंने कर भी ली किसी से तो? क्या बात करें मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं सही में क्या फर्क पड़ेगा? तू तो मेरा दोस्त है ना। हम तो दोस्त है। अच्छा मैं सिर्फ दोस्त हूँ? मैं दोस्त से बढ़कर हूँ तेरे लिए। बस ये नहीं कह सकती कि लवर हूँ या कुछ हूँ। लवर से थोड़ा नीचे दोस्त से थोड़ा ऊपर। मैं ऐसे नहीं होता। तू दोस्त है तो दोस्त की तरह ही रह। ठीक है अब तू मेरी हेल्प करा। चल क्या हेल्प करूँ? चल मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक है किसको बुलाएगी? जिससे मैंने शादी की है मेरा हस्बैंड। अबे करी होगी तो बुलाएगी ना। यार मैंने सच्ची में क्या? रुक तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना। मैं उसको कॉल करके बुलाती हूँ। रुक किसको बुला रही है? उसी को बुलाती हूँ। यार तू यार क्या यार, किसको मिला रही है फोन? यार तू मजाक सही में डायल बट खोल के बैठ गई। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं सीरियस हूं। डायल बट क्यों खोल के बैठ गई सही में? यार तू मेरे को चला। तू बता क्या है? मैं बुलाने तो दे उसे। बुलाएगी किसको? और भी पड़ोसी देख लिया तूने मेरे अलावा? तेरे को नहीं है ना ट्रस्ट मेरे पे? भाई मेरे को तेरे को अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट है। खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। एक बार मैं खुद को गलत बोलता हूं तेरे को गलत नहीं बोलूंगा। नहीं एक बात बता प्यार है तेरे को मेरे से? प्यार मुझे? मेरी किस्मत बूटी है मैं तेरे से प्यार करूंगा। नहीं है ना तो जा यार। तुझे बोल। अरे यार तू तो बुरा मान रही है क्या यार? ये सीरियस बात करने के लिए बुलाया था तूने मुझे? हाँ मैं चाहती थी तू मेरी हेल्प करे और तू नहीं करना चाहता। तू जा यहाँ। चल ठीक है मान लिया तेरे को किसी से प्यार हो गया। तूने से शादी कर ली। अब मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें बता क्या मदद करूँ तेरी उसमें? अब तू ना प्लीज। अरे मान लिया भाई मैंने मान लिया। बता क्या है? अब तू ना प्लीज। बिल्कुल सीरियस हूँ। बिल्कुल सीरियस हूँ बता। तू सीरियस है? मैं ना मार दूंगी तेरे। अच्छा बोल बोल। गॉड कसम पहले तू सीरियस हो। मैं अच्छा गॉड कसम मैं सीरियस हूँ। अच्छा बता ना क्या हुआ है बता। तो मैं चाहती हूँ तू अब फैमिली को मना। तेरी फैमिली को मनाऊं जिससे तूने शादी करी है? तेरे को अच्छे से जानते हैं तेरी बात मान जाएंगे क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड समझना। तो तू मेरे को कह रही है कि कब्र खोद के खुद उसमें घुस जाओ और मिट्टी भी खुद ही डाल लेना। ये ऐसी बात तू मेरे से कर रही है अभी? तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? शादी मैंने की है या तूने की है? अगर मैं तेरी जगह होती ना मैं तेरी हेल्प करती। तेरी तरह बकवास नहीं करती मैं। लेकिन मैं ऐसा चुतियाप नहीं करता जो तू मेरे को बोल रही है कि मैंने शादी कर ली मेरे को कोई लड़की पसंद आ गई या कुछ हो गया। तो मैं कर नहीं
सकती है क्या तेरे को? यार कर सकती है, मैं कब मना करूं? नहीं, सब कुछ काम मैं तेरे से पूछ के करूं फिर। कर ली मैंने, अब मेरी मर्जी, मेरी लाइफ। मैं पूछ तो लेती क्या है क्या नहीं है। क्या पूछना, तुझे फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे भी, मैं कुछ भी करूं। अभी तेरे एक फोन पे आया ना मैं, वो तू मजबूरी में आया क्योंकि तुझे सरप्राइज देना था। किसको फोन मिला थी? ले मिला किसको मिला रही थी? तू बात करेगा ना? तू बुला ले, यहीं बुला ले। ठीक है चल, कौन है मैं भी देखूं। क्या तूने तो मूड ही खराब कर दिया यार। अच्छा गला राहुल। ये पापा जी आप? हाँ मैं। आप क्या कर रहे हो यहाँ? राहुल यही मेरे हस्बैंड है। तुम पागल हो गए यार, शादी की? मेरे पापा अरे है यार वो। हमने शादी की है। शादी की हमने? ये पापा क्या कर रहे हो, क्यों हाथ क्यों लगा रहे हो, क्या हो गया? राहुल हमने शादी की है। शादी की है, मेरा अधिकार उसे छोड़ने का बेटा। अरे अधिकार यार, कर क्या रहे हो आप दोनों यार? शादी की है और क्या? ये बता, हमने गलत किया है कुछ? शादी तो है क्या? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को। पापा जी क्या हो रहा है ये तो बताओ मेरे को। माला पहन के आगे मतलब क्या चीज है ये, समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा शादी माला पहन के ही होती है। अरे पापा यार आप तो थोड़ा वो कर लेते, रिहास कर लेते, आपसे आधी उम्र की है वो। तो क्या हो गया, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती? आपको मैं पसंद हूँ खुशी। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती क्या खुशी? आपने मुझे पसंद किया, मैंने कोई जबरदस्ती की नहीं। हम कब से डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को? क्या बात कर रहे हो पापा जी आप, क्या पसंद? हम 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं हम तो। पापा मेरी उम्र की लड़की है वो, तो मुझे इसे क्या लेना देना? फर्क पड़ता है, तुम ये बताओ कौन से जमाने में जी रहे हो पहले ये बताओ। यार मैं इसी जमाने का, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा, मेरे को ऐसा लग रहा अभी भी कोई भयानक सपना देख रहा हूँ, क्या चल रहा है मतलब? अब ये सपना नहीं बेटा, हकीकत है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुझे क्यों मेरा दिल बिठा रहे हो क्या? कोर्ट चलो, हमने साइन भी कर दिया। अब तेरे दिल का मैंने ठेका लिया हुआ, मेरा दिल नहीं है क्या? पापा मैं अपने दिल की सुनूं या तेरे दिल की सुनूं? इसका तो चलो मानता हूँ, मजाक कर रही हूँ यार। आप भी यार मैं मजाक, वो क्यों मजाक करेगी यार? अब हमारा शादी का फैसला नहीं, शादी का फैसला एक मजाक होता है क्या? पता है क्या, तुम बुके लेके बैठे हो और ये क्या माला वगैरह पहन रहे हो? चलो ये हमारा टाइम खराब कर रहा है, चलो जाओ, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। तुम कहाँ क्या जा रहे हो मेरे को क्या यार, क्लियर तो करो क्या चीज है क्या नहीं है। जब तुम नहीं मान रहे तो क्या करें यार? ये क्या है, ये क्या है? ये माला है फूल की, पता नहीं क्या माला। एक दूसरे को कब पहनाते जब शादी होती है? वो मुझे भी पता है। तू बच्चा है क्या, तुझे ये नहीं पता शादी कैसे होती है? मुझे पता है पापा जी सारी। यार तो हमारा ना हैप्पी मोमेंट को खराब मत कर। अरे मेरा तो बैड मोमेंट कर रहे हो आप अगर ऐसा बोल रहे हो। तो हमने किया है क्या? हमने शादी कर ली तो हमने किया है क्या? मैं अभी यहीं की यहीं मर, अगर 1% भी वो तेरी जिंदगी है तो खत्म कर या कुछ कर। हमने शादी की अपनी, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम आपस में खुश हैं। क्या बात कर रहे हो, चलो छोड़ो, हम आपस में खुश हैं। चलो क्या यार खुशी, क्या क्या चल रहा है यार? मतलब इसको हाथ मत लगा यार। पापा जी क्या हुआ, आप अपनी उम्र तो देख लो कम से कम, आपसे आधी उम्र की है वो। तो क्या है मेरी उम्र थोड़ी यार, क्या है मेरी उम्र के अंदर क्या है? तेरी थिंकिंग समझ नहीं आ रही। बार बार उम्र की बात क्यों कर रहा है? हमारे घर में आती थी, क्यों आती थी? यार मैं इनके लिए आती थी। सुन लिया अब, नहीं अब सुन लिया, झूठ अभी भी बोलते झूठ है। झूठ क्यों होगा, ये झूठ नहीं है, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। हमने शादी कर ली है और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए शादी की है। अब तू मान या ना मान, हमने शादी कर ली, बात मैं नहीं झेल पाऊंगा। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? मत झेल ना, तेरे को किसने कहा तू झेल? तू भी अपना कर ले शादी। कौन सी हेल्प है, कौन सी हेल्प होती है यार? मैंने तुझे सिर्फ हेल्प करने के लिए बोला था, तू ड्रामा कर रहा है। पहले आराम से बात कर। पापा जी मैं क्या बोलूं यार, तेरी है मम्मी है, आराम से बात कर। माँ से कैसे बात करते, तेरी होगी दोस्त, अब वो तेरी मम्मी है, अब वो तेरी मम्मी है। मम्मी बन गई वो, बन गई क्या? अपनी माँ से ना आराम से बात कर, समझ आ गई ना? और ये मैं इज्जत कर मेरा, हाँ इज्जत, और मैं भी तेरी इज्जत कर रहा हूँ। रहने दो इसको, मैं भी तेरी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा अगर तू अनाप शनाप बात मत कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को बताएंगे आप? ये तेरी माँ है, तुझे इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बात खत्म हो गई। आपने मेरा और इसका बारे में मतलब सोचा नहीं कुछ? नहीं, मुझे क्या पता तुम आपस में प्यार करते हो? कहा मुझे कभी तूने कि मैं प्यार करता हूँ किसी से? और तुम करते तो रात या करता तो कम से कम बताता तुझे आके। मुझे यार कुछ चीजें नहीं बताई जाती, नहीं बोली जाती। तो बाप से नहीं बताएगा तो किससे बताएगा जाकर? नहीं फिर रहने दो, फिर मत बोल। क्यों ऐसा बोल रही है, क्यों बोल रही है? ये ड्रामा मत करो राज, अब यार मैंने एक्सपेक्ट ही किया था। क्या कर रहे हो यार आप लोग दोनों, जिंदगी खराब हो गई यार। नहीं हमने की उसकी जिंदगी खराब, खुद की थी राज। तुम यार अभी खड़े हो, झूठ बोल रहे हो आप लोग यार, झूठ। बेटा ये हकीकत है, झूठ क्यों बोलेंगे? ये हकीकत है यार, मैंने नहीं सोचा था खुशी तू ऐसा करेगी कुछ।
अगर तेरे को मेरे से प्यार था तो तू बोलता ऑफिस से निकला, मैंने जो बोला ना वो सच हो जाता। अगर ऐसा सच है तो मैंने बॉस को बोला उसका एक्सीडेंट होता सही में हो जाता तो हो जाता, अगर थोड़ा सा भी ऐसा सच होता तो। राहुल आराम से बात कर, मुंह संभाल के बात कर, ये तेरी माँ है और अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा है, मतलब अपनी माँ के प्रति ऐसी बात करनी चाहिए तुझे? बेवकूफ ना हो तो कम से कम इज्जत नहीं कर सकता, बेइज्जती तो मत कर। ये क्या हो गया? बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। हम क्या कर सकते यार, क्या लिखा है मेरी जिंदगी में क्या पता। जब बोलने का टाइम था तब तो बोला नहीं। बात है छोड़ो अभी से। क्या हो गया आप लोग ऐसे? पता नहीं, हम तो समझा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मैंने तो बस हेल्प करने के लिए बुलाया था इसे। क्या हो गया? पता नहीं, हमने शादी की है और इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम हुई हमारी शादी से? खुश नहीं हमारी शादी से, पता नहीं क्यों। बल्कि माँ की कौन सी खुशी मिलेगी भाई? माँ की खुशी लिखी थी मेरी जिंदगी, वो तो आपने ले ली। मैं जिंदगी में मेरे को पत्नी की कमी थी, इसके पास माँ की कमी थी, वो मैंने पूरी कर दी। बल्कि देखो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। राहुल बेटा क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया मतलब क्या? खत्म हो गया तेरा बेटा, घर को भर दिया मैंने, शादी करके घर को भर दिया मैंने, तो तेरी माँ को आपने मेरी मेरा खाली कर दिया, मेरी खुशियों का जो पिटार था वो खाली कर दिया आपने। कभी यार कुछ नहीं किया, प्यार करते हो बताया मुझे कभी? पापा नहीं थी मुझ में इतनी हिम्मत, नहीं थी तो क्यों नहीं थी बेटा हिम्मत? जब प्यार करने की हिम्मत है, नहीं प्यार करने की हिम्मत है और पेरेंट्स से बताने की हिम्मत नहीं है? नहीं मेरे को बस ये डर था मैं इसको खो दूंगा ना बोलते हुए, मैंने खो दिया। नहीं किससे डर था? तो शादी हो गई अब क्या करना है? नहीं किससे डर था? अब तो सब खत्म ही हो गया, मैं क्या बोलूं? अब शादी हो गई अब क्या कर सकते हैं राहुल, छोड़ो अब। यार खुशी तुम नहीं समझोगी यार, मैं ही गलत हूँ, मेरे को तो पता है तो मैंने क्यों नहीं बोला तुमसे। मैं तुम गलत हो। नहीं खुशी नहीं समझती तेरे को बेटा, चुप कर जा, चुप कर जा। मैंने कोई गलत नहीं किया तेरे साथ, शादी की है मैंने। राहुल चुप हो जाओ प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ, पहले हमारी बात तो सुनो, रोना तो बंद करो यार, पहले हमारी बात सुनो यार। उधर हो पापा, राहुल तुम उधर हो, मेरी बात तो सुनो एक बार, पहले मेरी बात सुन, बात सुन पहले मेरी सुन। ऊपर फेस कर, जो तू रो रहा है ना यार, तू पूरी बात ही नहीं सुन रहा। सुन तो ले, सुन, जो ये सब हमने किया था ना, ये सब प्रैंक था यार। यार तू चुप रह, प्लीज चुप रह। देखो अब मेरे को सीरियस नहीं ले रहा, तू मेरी बात तो समझ यार, प्रैंक था, हम सिर्फ प्रैंक कर रहे थे तेरे को। अगर भाई तुमसे प्यार करते थे, मेरे भाई 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 चुप चुप यार, चुप हो जा प्लीज भाई भाई, चुप हो भाई भाई प्लीज, चुप हो जा यार। मेरे को भी रोना आ जाएगा। लगा हुआ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। राहुल चुप तो हो जा कम से कम, मेरी तरफ तो देख, नहीं मेरी तरफ तो देख, कैमरा लगा हुआ मजाक। अरे तुझे लगता मैं तेरी खुशियों का गला घोटूंगा? लगता तुझे वैसे? क्यों करेंगे, बताए आज तक कभी? आज तक बताए कभी? अब तो बोल दो कम से कम। मैं नहीं कर पाया हिम्मत, मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या दिक्कत थी यार? अब तो हिम्मत आई है तुम्हें, मतलब रोने की हिम्मत है भाई? प्यार अब एक्टिंग मत कर तू, नहीं रोने की हिम्मत है? अब आप तो चुप कर जा यार, यार मुझे तो शर्म आती है यार, तेरे जैसा नलायक बेटा है मेरा, मतलब प्यार करने की हिम्मत है, कहने की बाप से भी हिम्मत नहीं है मेरे भाई। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो, ले खुशी भाई, ले खुशी, इसको पहना तू माला, चल खड़ा हो, अब खड़ा हो जा। अरे ये तेरी थी, तेरी है, तेरी रहेगी, ले पहना इसे माला, ले कर लो तुम, ले ना, अब पकड़ ना, अब तो चुप हो जा यार, क्या कर दी यार तूने यार, क्या है यार, क्या है यार, कर रहे थे प्रैंक, कर रहे थे, इधर 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 21वीं सदी का लड़का है यार तू,
और बाप से कहने में शर्म कर रहा है यार। ये ले, खुश रहो, बस बस यही है। अच्छा एक काम कर, ले इधर आ और कर अपने प्यार का इजहार। कैसे करते जरा मैं भी देखूं। हाँ तो इजहार करना, बैठ खुशी बेटा बैठ। अभी भी नहीं होगा मुझे। अरे होगा इससे, अब भी नहीं होगा तेरे से। अब तो मैं ना तेरे थप्पड़ मार के करवाऊंगा तेरे। बैठ जरा, कर लो भाई, ये ले बैठ। वीडियो चल रहा है कैमरा में, कर देखूं मैं भी। ना पापा कर लेंगे, मैं करूँ फिर दोबारा। मैं मारूंगा, कर कर अब। आजा बेटा, आजा लौट के आजा। शाबाश, आजा भाई। अंकल जी मैं कर दूं? नहीं नहीं यार, ना अब नहीं, अब प्रैंक नहीं करना, रियल में कर। नहीं बेटा अब कर, कर देख ले, फिर वो किसी और के साथ भाग जाएगी। अगर जो भी था ये मेरे को बहुत मेरे को फील करा दिया इस चीज़ ने यार। मैं तेरे से सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मतलब तब से जब से मैं तेरे को देखता आ रहा हूँ यार, अब ये यार मैं नहीं हिम्मत कर पाया था। आई एम सो सॉरी यार, क्या तुझे बहुत प्यार कर लो, बहुत प्यार करते हो ना, प्यार करते हो तो बेटा जताने में लेट मत करो। ये तो हमने दोनों ने मिलकर तेरे ऊपर प्रैंक किया। प्यार मोहब्बत, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो लेट मत करो, लेट मत करो कभी भी।